सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में नए नियमों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। साथ ही कोर्ट से अपील की है कि नए डिजिटल नियमों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है। दरअसल नए डिजिटल नियम कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियों को पोस्ट के ओरिजिन के बारे में जानकारी देनी होगी, लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि इससे यूजर्स की निजता यानी कि प्राइवेसी पर खतरा है। इंडिया टुडे टेक के साथ बातचीत में व्हाट्सएप ने कहा कि यूजर की चैट को ट्रेस करने से यूजर की प्राइवेसी प्रभावित होगी, उसका फंडामेंटल राइट भंग होगा। हम भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखकर इसका समाधान तलाश करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लीगल वैलिड रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो हम हर मुमकिन जानकारी देंगे। व्हाट्सएप का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि इन मैसेजेस को ना तो व्हाट्सएप देख या पढ़ सकता है और ना ही कोई और। अगर सरकार का नया नियम माना जाए तो इंक्रिप्शन को खत्म करना होगा और ऐसा होने से प्लेटफॉर्म पर से लोगों का भरोसा खत्म होगा। व्हाट्सएप की चिंता इसलिए भी है क्योंकि भारत में उसके पास करीब 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ यूजर्स हैं और नया नियम मानने पर काफी लोग प्लेटफॉर्म को छोड़कर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। liveloo.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकारी नीति प्राइवेट कंपनियों को हर दिन भेजे जाने वाले अरबों मैसेज को जमा करने के लिए मजबूर कर रही है। ये डेटा सरकारी एजेंसियों को देने के लिए प्लेटफॉर्म को जरूरत से अधिक डेटा जमा करना होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने कहा कि ट्रेस करने की नीति प्राइवेट कंपनियों को उन लोगों का नाम बताने के लिए मजबूर करती है जिन्होंने कुछ शेयर किया है। हो सकता है कि उन्होंने इस मैसेज को नहीं बनाया हो और चिंता के कारण या सत्यता जानने के लिए इसे शेयर किया हो। इस तरह कोई निर्दोष पकड़ा जा सकता है और जेल भी जा सकता है। ऐसा करने से लोगों की निजता प्रभावित होगी। इस मामले में 26 मई को सरकार की ओर से कहा गया है कि इस तरह की जरूरत तब होती है जब किसी मैसेज को रोकना हो या फिर उसकी जांच करनी हो। भारत की संप्रभुता, अखंडता और दूसरे देशों के साथ रिश्तों पर यदि कोई संकट आता है तो ऐसे में मैसेज के ओरिजिन का पता होना जरूरी है। इसके अलावा यौन उत्पीड़न और रेप आदि से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए भी इसकी जरूरत हो सकती है। सरकार का कहना है कि वो यूजर्स की निजता का सम्मान करती है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि नए नियम भाजपा का बिग डैडी सिंड्रोम दिखाते हैं। ये लोगों को नियंत्रित करने का सिंड्रोम है और मीडिया नियंत्रण की इस तरह की नीति पर तो नॉर्थ कोरिया भी शर्मा जाएगा। अभी तक सोशल मीडिया कंपनियां आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत किसी यूजर की पोस्ट के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं होती हैं, लेकिन अब नए नियमों को फॉलो नहीं करने पर आपत्तिजनक कंटेंट के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को भी पोस्ट करने वाले यूजर के बराबर ही दोषी माना जाएगा। सरकार चाहती है कि अगर वो चाहे तो ये पता कर ले कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने भेजा था। अगर कहीं हिंसा होती है या फिर लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार ये पता कर सके कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन व्हाट्सएप का तर्क है कि ऐसा करने से लोगों के निजता के अधिकार का हनन होता है। गौरतलब है कि भारत जैसे बड़े देश में करोड़ों लोगों के पास स्मार्टफोन है और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में कोई भी कानून या सोशल मीडिया से जुड़ा कोई भी फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। 25 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सरकार की निंदा और सवाल पूछने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के संबंध में बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं जिनमें अपराधी और आतंकवादियों द्वारा इनका इस्तेमाल करने की शिकायत भी शामिल है। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में स्वागत है, लेकिन उन्हें भारत के कानून को फॉलो करना होगा। इसी दौरान डिजिटल मीडिया के लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य किया गया था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।